भाई उसका आंसर प्लानिंग था यार, मैं तो ऑर्गेनाइजिंग लिखाया भाई, मेरे को तो स्टाफिंग लग रहा था भाई। इतनी बड़ी केस स्टडी देख के मैंने तो पढ़ा ही नहीं यार, मेरे को तो लग रहा था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों ये सारे रिएक्शंस होते हैं जब बच्चे बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देके आते हैं, क्योंकि पेपर उन्हें देखने में तो इजी लगता है, पेपर पर जब वो पढ़ने लगते हैं केस स्टडीज इतनी बड़ी बड़ी आई होती है एग्जाम्स में कि बच्चों को समझ ही नहीं आता। केस स्टडीज में बिजनेस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आपको कभी भी दुनिया से बड़ी केस स्टडीज आ जाए आप उसे मिनटों में सॉल्व कर देंगे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले टिप नंबर वन आपकी आती है कि आपने बिजनेस में जब चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे उसकी सारी हेडिंग्स को याद करना है। हेडिंग्स याद करने से क्या होएगा कि जब आपको हेडिंग याद होगी तो आपको इमीडिएटली केस स्टडी पढ़ के ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए। तो हेडिंग्स को प्रॉपरली बुक से, जो पूनम गांधी अगर आप फॉलो कर रहे हो या एनसीईआरटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे तो आपको एक रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी केस स्टडी के लिए, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ फाइनल टच, और अगर आप एग्जाम आइडिया से भी केस स्टडीज पढ़ते हैं वो भी बेस्ट है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि केस स्टडीज आपने सॉल्व कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि केस स्टडी पढ़ने से पहले आपको हर एक चैप्टर, जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसकी हेडिंग्स याद हुई, उसके बाद आपने केस स्टडीज पर जाना है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा उसकी केस स्टडी पढ़ी, तो आपको समझ कैसे आएगा जब आपने पूरा चैप्टर ही उसको कंप्लीट नहीं पढ़ा, तो आपको केस स्टडी समझ ही नहीं आएगी। तो फर्स्ट टिप आती है कि पूरा चैप्टर पढ़ो फिर आप उसकी केस स्टडी करो। टिप नंबर टू आती है कि ऑलवेज रीड फ्रॉम एंड, केस स्टडी को हमेशा लास्ट से पढ़ना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, हमेशा केस स्टडीज को स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ के क्या होता है, अभी तो आपको पता है कि आपने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप उसी की केस स्टडी पढ़ रहे हो, तो आंसर प्लानिंग में से ही होगा, बट एग्जाम्स में तो मिक्स होके आएगी, कहीं लिखा ही नहीं होगा कि ये किस चैप्टर की केस स्टडी है। तो आपने क्या करना होता है कि आपको सारा केस स्टडी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारा चैप्टर ढूंढेगा, पूरा सिलेबस ही इनफैक्ट आपके माइंड में घूमेगा कि ये किस चैप्टर से केस स्टडी है। बट अगर आप क्या करोगे कि नीचे से पढ़ोगे तो 90% केस स्टडीज़ में आपको पता चल जाता है कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि नीचे पूछा होता है राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इट मीन्स वो बिजनेस इन्वायरमेंट से, या राइट टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग की केस स्टडी होगी। तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये किस चैप्टर से केस स्टडी है। और अगर आपको चैप्टर का आइडिया लग गया तो आपके दिमाग में सिर्फ वो जहाँ 12 चैप्टर घूम रहे थे वहाँ सिर्फ एक आप एक चैप्टर में आपने सोचना है, फिर आपने उस चैप्टर के टॉपिक्स माइंड में सोचने हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आप हेडिंग्स लिख के देख सकते हो कि इनमें से ये हेडिंग्स इसमें कॉमन है तो ये इसका आंसर है, तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको केस स्टडी को हमेशा नीचे से पढ़ना है ना कि बजाय ऊपर से, ठीक है। टिप नंबर थ्री आती है प्रैक्टिस मोर एंड मोर केस स्टडीज़, क्योंकि केस स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है। आप जितना ज़्यादा उसे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन होएगा, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका ये आंसर है तो ये क्यों है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको कुछ लाइन्स लिखी होगी, ठीक है। अब केस स्टडी में सीबीएसई वाले क्या ट्रिक फॉलो करते हैं, वो दो तीन हेडिंग्स दे देते हैं, जैसे उसमें प्लानिंग की भी बात हो गई, स्टाफिंग की भी बात हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर देते हैं, जिससे बच्चा यही सोचता रह जाता है कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि आपको उसका मतलब मेन चीज़ देखनी है कि केस स्टडी में मेन सबसे ज़्यादा किस बारे में बात हुई है, तो वही आपका अल्टीमेटली आंसर होगा। अगर तीन चार चीज़ों पर बात हो रही है बट मेन एक ओवरव्यू तो होगा ना उस केस स्टडी का, तो वही आपका आंसर होगा। तो आप जितना ज़्यादा केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी लॉजिकल सोचने की, और उससे आपको हर एक केस स्टडी के आंसर ईजिली पता चल जाएंगे। तो इसीलिए आप एक एक्स्ट्रा बुक रखो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, उससे आप प्रैक्टिस करो केस स्टडीज़ की, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको कंसेप्ट क्लियर होएगा, आपको सोचना आएगा कि कैसे हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना होता है। टिप नंबर फोर आती है कि मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको केस स्टडीज में अंडरलाइन करने हैं या मार्क कर लेने हैं। बच्चे पेंसिल से मार्क कर लेते हैं कि ये केस स्टडीज में पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ा था, ये इसमें पढ़ा था, ताकि आप दोबारा से उसे सोचोगे केस स्टडीज को तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेन पॉइंट्स के बारे में मैंने सोचना है, कि मैंने मोटिवेशन किस चैप्टर में पढ़ा था, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में, मैंने लिमिटेशंस ऑफ प्लान किस में पढ़े थे, प्लानिंग वाले चैप्टर में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है तो कौन से चैप्टर से है। तो आपको उससे भी बहुत क्लियर मिल जाता है, बहुत जो आप मेन हाईलाइट करोगे उसी में ही आपका आंसर छुपा पाओगा, और साथ ही में ही आपको लाइन भी कोट करनी होती है तो वो भी आप इजीली कोट कर सकते हो, तो इसलिए आपने वो चीज़ पे भी ध्यान देना है।
नेक्स्ट आपका आता है लास्ट में कि आपने केस स्टडीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि कई बार पूछा होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन पूछे हैं या फंक्शंस पूछे हैं? अगर फंक्शन पूछा है तो एक ही उसका आंसर होएगा, और फंक्शंस पूछे हैं तो तीन चार आंसर हो सकते हैं। जब भी आपसे फंक्शंस पूछे तो इट मीन्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन्हीं में से ही आपका आंसर है। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट मीन्स कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका आंसर कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा बच्चे जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो ये भी देखते हैं कि अगर चार नंबर की केस स्टडी है तो इसमें चार हेडिंग तो होगी होगी, ये तो नेचुरल है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। आप फंक्शंस और फंक्शंस ऐसे देख सकते हो, प्रिंसिपल पूछे हैं या प्रिंसिपल्स पूछे हैं तो कितने मल्टीपल आंसर होंगे उसके, और जितने मार्क्स किया उतने ही उसके आंसर होते हैं नेचुरली। तो वो सारी ट्रिक्स लगा के भी बच्चे जुगाड़ मार के उसका आंसर लिखाते हैं। एक और जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनका पेपर छूट जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनको इतनी बड़ी केस स्टडी देख के समझ नहीं आती तो वो उसे छोड़ के ही आ जाते हैं। छोड़ के नहीं आना अपने केस स्टडी में। क्या करना होता है, केस स्टडी में कई बार दो तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट पे पूछा होता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, सेकेंड पार्ट होता है राइट टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट आपको आता है तो आप उसका तो आंसर लिखो एटलीस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग डिस्कस इन दिस केस स्टडी, तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी जो उनको लगती है ना लिमिटेशंस, कोई भी लिखा हो, आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो सकता है आपने जो दो पॉइंट्स लिखे वही उसका आंसर हो। तो इसलिए आपने ये करना है कि छोड़ के कुछ नहीं आना, आंसर लिखना है। कई बार उसमें ये हो जाता है कि हमने जो लिखी हेडिंग आपने एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करी ना केस स्टडी, और जब आप अटैम्प्ट करते हो तो काफ़ी टाइम यही होता है कि उसका आंसर जो हम सोच रहे होते हैं वही होते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब 10% मैं कहूँगा कि 10% से भी कम ऐसी केस स्टडीज होते हैं जिसके दो आंसर भी हो जाते हैं कई बार, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।